हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और नए ब्लॉग पे। कल का ब्लॉग में बहुत ही हंसी आया, सारे कमेंट्स वगैरह जो है मंजिता को और मानवी को क्या क्या बोल रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। और मानवी और मंजिता जो है, मंजिता तो लड़ाई नहीं करते है, बस मानवी करते है, वो भी कभी कभार पूरा अचानक से जो है अटैक कर देती है। तो बच्ची है वो धीरे धीरे समझ जाएगी, मंजिता तो उसको मारती नहीं है। तो बस अभी सुबह सुबह हमने जो है पूरा घर के कामों को निपटा लिया है दीदी और मैंने। दीदी का तो पूरा हालत खराब, क्योंकि हैंडपंप पे पानी उठा उठा के लाने से ना इतना माथा में वो पेन होती है। तो मेरा तो घर की साफ सफाई में करने में लग जाती हूँ मैं सुबह सुबह। तो अभी जो है हम लोग का घर पे जॉय भैया लोग जो है वो आसाम से आया है, वो लोग जो है खाना खाएंगे लंच यहाँ पे हम लोग का घर पे। तो हम लोग जो है सुबह से लेकर अभी वो घर के कामों को कंप्लीट करने के बाद अभी खाना बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ दीदी ने जो है यहाँ पे जंगली बेट काट के रख दिया, और यहाँ पे मैंने ड्राई फिश भिगो के रख दिया, और इसमें जो है मैंने मिक्स सब्जी पकाने के लिए ये कद्दू टमाटर और क्या क्या दे दिया, तो उसमें जो है मिक्स करके बनाऊंगी। यहाँ चूल्हे पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का गैस जो है यहाँ पे वो गैस स्टोव जो है बस दो तो चूल्हा है, वहाँ पे चावल भी दे दिया, तो अभी बेत का सब्जी भी वहाँ पे पकेगा, तो मैं वहाँ लोकल चूल्हे पर पकाऊंगी। और मम्मी जो है आते ही वो देखो आंगन साफ सफाई करने में लग गई, सभी का पूरा काम ही काम हो गया, क्योंकि ना ऐसे बारिश देने से इतना काम जमीला पड़ जाता है, पूरा हालत खराब होती है। आंगन वगैरह भी दो तीन दिन में एक बार सफा करो, और धूप देने से पूरा अपना जो बाउंड्री है उसे जो है पूरा सफा करना पड़ता है, और घर की साफ सफाई करना पड़ता है। ये होता है हम लोग का जिंदगी, डेली लाइफ ऐसी चलती है हम लोग का। तो अभी जो है खाना बनाते हैं, लम्बो को भी भूख लग रहा है, वो तो सुबह सुबह मार्केट गया था, तो मार्केट पे उतना खास सब्जी नहीं है, क्योंकि मंडे मार्केट जो है छोटा करके वो होता है ना, तो फ्राइडे मार्केट जो है बड़ा करके होता है, तो वही फ्राइडे मार्केट से अच्छा अच्छा सब्जी मिलता है। तो आज जितना हो पाता है हम लोग का साइड से जो है उतना ही पकाएंगे सब्जी, और मीट भी लेके आया है, पर मीट हम लोग नहीं खाएंगे, मीट खाने का मन नहीं है। इनको देखो, कल रात को पहुंचा था पसीघाट से, और मेरे लिए क्या क्या लेके आया बाद में दिखाऊंगी मैं। और यहाँ पे देखो पूरा मार्केट से तरबूज लेके आया, मीठा है ये, मैं लेके नहीं आया, ये भाभी का दिया, मेरा वाला उधर में बड़ा वाला है। अच्छा वो वाला ना, हाँ। और ये कल मानवी का मम्मी ने दिया था, ठीक नहीं है बट ठीक ठाक है, भाभी ने दिया था। और मम्मी का देखो, मंजिता का स्वेटर बना रही थी, कल मम्मी को भी किसी ने कमेंट किया था मम्मी बहुत ही अच्छे से बना रही है। अभी दूसरा साइड वो जो है रीस्टार्ट हो गया, एक साइड जो है हो गया। यहाँ बेड पर देखो पूरा सुंदर है, ये मंजिता हॉस्टल में पहन पाएगी। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मेरा कुकर जो है डिस्टर्ब करता है मुझे, करके मंजिता पे करती है। चलो अभी खाना पकाते है, अभी मामा सुपारी काट रहे हैं। जो जॉय भैया है ना, तो आसाम से है, अखोमिया मानु किता माने तामुल बेसि खाय, इतु कारणे तार कारणे ककाय कारणे तामुल काटि आसु। भैया के लिए तामुल में काट रहा हूँ, हाँ, देखो यहाँ पे पूरा इतना जगह है, लोकल एकदम घर का है, हाँ, वहाँ पे वो वाला बगान में ना, तो अभी तामुल को जो है ऐसे काट के थोड़ा सफा करके ना यहाँ पे पानी में भिगो के रखने से ना टेस्टी होता है, टेस्टी हाँ। इसलिए व्हाइट व्हाइट वाला तो इतना टेस्टी होता है ना हाँ। मिडिल में, इसलिए गाबूजे हाँ। को देखो पूरा मेरा साथ बेच दिया ना हाँ। ये देखो तामूल हम लोग का लोकल, ना मजा है ना, यहाँ पे इतना ज्यादा है ना हाँ, गिर गया था पेड़ जो, हाँ गिर गया था बोल के मामा देखने गया था हाँ। पेड़ गिरा है कि नहीं हाँ। तो गिरा है तो सुपारी मिला है ना हाँ। यहाँ पे देखो, और वहाँ पे भी है ना, वहाँ पे भी है, और भी था, वो सब समीर भैया को दे दिया, वो लोग भी खाते है ना, इसलिए बहुत ज्यादा गिरा है ना हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा देखो अभी काट रहे मामा, देखो अभी देखो व्हाइट देख रहे ना, ब्राउन था, अभी छिलका तो छिल गया ना, अभी व्हाइट हो गया ना थोड़ा सा, और यहाँ पे देखो भिगो के रख दिया। वो नाने घर को सफा कर रहे, नीचे में गंदा हो गया बोल के, देखो पूरा इतना ज्यादा कचरा हो गया ना नानी, देखो पूरा स्पाइडर का जाली क्या क्या हो गया, देखो अभी हमको फंस गया भैया, सफा करता है तो भी स्पाइडर का जाली रहता है हाँ, ज्यादा स्पाइडर है ना इसलिए, और कचरा भी यहाँ यहाँ होता है ना, वो घर का ऊपर से गिरता है,
उसका बाद पर भी इतना सफा करता है पर भी गंदा गिरते रहता है ना। देखो अभी नानी पूरा अच्छे से सफा कर रही है और देखो यहाँ पे हाँ और यहाँ पे देखो पूरा इतना ज्यादा गंदा है। नानी सफा किया था पर बारिश की वजह से और फिर से गंदा हो गया ना। देखो यहाँ पे भी और भी है, देखो इतना ज्यादा कचरा है। उधर में भी है, वो वाला क्या है? मशरूम। और ये वाला खा नहीं सकते है ना, ये वाला छोटा है बोल के। देखो यहाँ अंदर पर जो है दीदी जंगली बेत का सब्जी पका रही है। पिछले बार जो जय भैया आया था ना वो बेत का सब्जी को टेस्टी लगा बोला था, इस बार भी एकदम टेस्टी करके खिलाएंगी है ना। जो भी हम लोग का मेहमान आता है सबको मामा जी बुलाता है मंजिता। मैं सबका दीदी। हाँ दीदी, पूरा दुनिया में सभी का दीदी। सभी लोग दीदी दीदी ऐसे अच्छा है, दीदी रेस्पेक्ट करके बुलाते हैं इसके वजह से, एक बेटी है बोल के। अच्छा है, वाओ टेस्टी होगा। इसमें जो है हम लोग लास्ट में चावल का वो दे देंगे ना ग्रेवी, चावल का ग्रेवी दे देंगे। और चावल तो हो चुका है तो यहाँ जो है चूल्हे पर मैं मिक्स सब्जी को पका रही हूँ। लास्ट में जो है ये खुशबूदार पत्ता को दे दूंगी और यहाँ पे थोड़ा पोर्क है, इसको बाद में पकाएंगे। यहाँ पर दीदी जो है पोर्क को पका रही है, ये देखिए वाह मसाला दे दिया इसमें, वो मिर्च वाला मसाला दे दिया था। और अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो चुका है, तो मंजिता का तो यहाँ पे निकाल दिया है, उसको जो है बहुत ही भूख लगती है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह बोलने से भी हम लोग का अभी 8:30 से भी ज़्यादा हो गया टाइम। और यहाँ मेरा सब्जी पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, आज मैंने ज़्यादा ही इसमें पानी दे दिया, बहुत टाइम लग रही है। ये कद्दू ना थोड़ा सा वो अच्छा नहीं है, बहुत टाइम लग रही है। और मेरा पतलू जो है पानी उठा रहा है, सुबह में दीदी ने जो है पूरा 8 बार लेके आया था पानी, बाप रे। अभी देखो ये लेके आ चुका है, हो जाएगा। यहाँ हम लोगों का खाना भी निकाल दिया है और यहाँ पर जो है मैंने भैया लोगों के लिए सब्जी वगैरह भी रख दिया। और वहाँ पे मीट जो है अभी तक हुआ नहीं, पर हम लोग जो है यहाँ पे अभी ग्रीन वेजिटेबल के साथ खाएंगे। चलो अभी खाते हैं, सभी को भूख लग रहा है। तो अभी हम लोग खाना वगैरह भी खा ले, उसका थोड़ा सा रेस्ट किया था। और मामी आम निकाल रहे, कल को बड़ा मामी दिया था ना? नहीं तो ये वाला जो है जो जॉय भैया है हाँ? वही लेके आया था। और अच्छा हमको हाँ। लगा था वो बड़ा मामी देने वाला। नहीं ये वाला पूरा नरम हो गया ना हाँ। इसलिए जो है इसको सबसे पहले खाएंगे। और वहाँ पे दो ठू है ना वाला टेबल पे। और यहाँ पे देखो नानी पूरा बनाने में लग गया मेरे स्वेटर को, थोड़ा सा बना दिया था ना, यहाँ पे दिखाओ नानी। इसको तो आगे वाला तो हो गया हाँ, अभी वाला हाँ, हाँ, अभी पीछे वाला ना, अभी पीछे वाला बना रहा है हाँ, उसका ऐसे करके हाथ ना हाँ, देखो तो सुंदर हुआ कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताना हाँ, देखो अभी तो इतना अच्छा से भी बनाने नहीं आता है, पहले तो बहुत बनाता है अच्छा अच्छा वाला, अभी डिजाइन भी भूल गया है, बहुत पूरा स्पीड स्पीड से बनाता था ना हाँ, अभी पूरा धीरे धीरे बनाता है धीरे धीरे। देखो यहाँ पे अभी बना रहे थोड़ा सा, ये भी अच्छा से देखा आप तो हाँ। देखो यहाँ पे फूल इतना सुंदर लग रहा है उनको तो, यहाँ पे भी। और देखो मामी काट भी दिया, देखो हो गया कटिंग हाँ। अभी हम सभी जो है खाएंगे मिल बाट के। मामा देखो पूरा देख रहा है खाने के लिए। इसको बिना मैं तो चलो खा के बताओ मुझे हाँ। तो यहाँ मैंने काट दिया है, पूरा नरम हो गया था। कैसा हुआ है मंजिता? टेस्टी। मीठा है? और तुमको कैसा लग रहा है? मीठा है। चलो वेरी वेरी स्वीट। अभी हम सभी जो है खाएंगे यहाँ पे। बाप रे पूरा ऐसा लग रहा है ना आम का सीजन आ गया बोल के, पर ये चलाने वाला नहीं है, ये चलाने वाला है लोकल वाला नहीं है। हम लोग का लोकल वाला बहुत मीठा था ना, हम लोग पिछले साल है, इस बार भी बहुत लगा है, खाने हाँ, मिलेगा इस बार देखते हैं। और हम लोग का बगीचा में ना लीची जो है पेड़ों पे वो उसका फूल वगैरह इतना आता है, लीची लगता ही नहीं, पूरा खरीद खरीद के खाना पड़ता है। इस बार भी ऐसे ही होगा। और जो क्या बोलता है
बर्मीज ग्रेप्स जो है हम लोग का बगीचे में पूरा उसका पेड़ जो है अवेलेबल है, पर लगता ही नहीं दूसरों से, वो भी खरीद के खाना पड़ता है हमें। बस हम लोग का बगीचे में फ्री मिलता है अमरूद एंड स्टार फ्रूट और क्या जैक फ्रूट और क्या था बनाना और इस बार मैंगो भी मिलेगा और कस्टर्ड एप्पल भी मिलेगा। तो बस अभी इसको जो है हम लोग खाते हैं, फिनिश कर देंगे। अभी हमने फ्रूट वगैरह खाने के बाद जो है मैं फिर से चावल जो है पका रही हूँ। तो भैया लोग जो है वो दोपहर को आ जाएंगे वो लोग, तो हम लोग के लिए जो है दीदी ने गर्मा गर्म वो 3 डिब्बा जो है पका के वो खिलाया था हम लोगों को। और अभी जो है यहाँ पे मैंने चावल को अच्छे से वॉश करके इसका ऊपर में जो है मिर्च की चटनी बना रही हूँ। यहाँ भैया को पसंद है, अब यहाँ पे स्टीम हो जाएगा तो बस हॉटकेस पे जो है चावल को गर्मा गर्म करके रख दूंगी। और मौसम भी बहुत खराब है तो बाहर पे जो कपड़े रखी थी उसे जो है लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर से भीग जाएगा। क्या ही करे, डेली लाइफ ऐसे ही चल रही है। बस हो गया, चावल तो हो चुका है। अभी यहाँ फिर से मैं सिमल का फूल जो है बॉईल कर रही हूँ इसका चटनी खाने के लिए। ये देखो इसका चटनी जो है एकदम बढ़िया तरीके से बना दूंगी। तो सबसे पहले जो है सिमल का फूल को बॉईल करनी पड़ती है। ये देखिए पूरा ऐसे देखने से बहुत गंदी लगती है, तो इसको जो है अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। इसको 2-3-4 बार ऐसे वॉश करना पड़ेगा। तो वॉश करने के बाद जो है मिर्च का चटनी से ऐड करो बस। और यहाँ पर मिर्च का चटनी मैंने रेडी कर दिया है, बस ये थोड़ा सा नरम होने के लिए यहाँ पे मैं बॉईल करी फिर इसका वॉश करूंगी। और मंजिता और मम्मी को देखो, मंजिता पूरा मम्मी का फोन पे कार्टून देख रही है, मम्मी पूरा स्वेटर बना रही है। देखो ना इतना स्पीड से बनाती है, पहले बहुत ही ज्यादा स्पीड थी, अभी थोड़ा लेजी स्लो हो गया, बहुत साल हो गया। हाँ बहुत साल हो गया। यहाँ पे देखो मामी सिमल का फूल को धो रहा है। हाँ बॉइल हो चुका है, अभी इसको जो है ये देखो बीच में एक तो वो रहता है ना उसको वो वाला को निकाल रहे, निकालना पड़ता है। तो इसको जो है इससे छोटे छोटे चटनी बनाएगा ना, टुकड़े करके जो है चटनी बना दूंगी। हाँ, देखो इसका वो क्या काला काला है ना, पूरा बहुत दिन हो गया ना इसका फूल है। हाँ, बहुत दिन हो गया ना, ये पिछले साल में हम लोग रखे थे स्टॉक पर। हाँ, जमा करके ऐसा ना, ये वाला सब्जी जो है बारिश का टाइम पे खाने से बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। चटनी बना के ना हम लोग जो है स्टॉक पर ऑलरेडी रखते हैं। और अभी नहीं गिर रहे ना, अभी तो उसका टाइम ही खत्म हो गया, तो इस साल में जो है जमा नहीं किया, बस पिछले साल का अभी भी है हम लोग के पास। बस अभी कोतोनी गिरते है ना। मेरा पुराना ब्लॉग में देखा होगा ऐसा सिमल का फूल जो है हमने कलेक्ट किया था दीदी और मैंने। तो यहाँ पर जो है सारे सब्जी वगैरह मैंने रेडी कर दिया है, चावल भी एकदम गर्मा गर्म हॉटकेस पर रख दिया है। और आज क्या क्या स्पेशल है थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर है पॉर्क और यहाँ पे है ये सिमल का फ्लावर का चटनी एंड यहाँ पर साग बॉयल, यहाँ पे है मिर्च की चटनी और यहाँ पे बेत की सब्जी और यहाँ जो है मिक्स वाला सब्जी। ये देखो पूरा कितना आइटम हो गया साग बॉयल 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिर्च का चटनी को लेकर जो है 6 आइटम हो गया। तो इसी से जो है भैया लंच करेगा और एक तो भैया जो है हम लोग का घर पे नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों। तो बस उनके लिए जॉय भैया के लिए जो है मैंने सब ये रेडी कर दिया है, तो जैसे वो आ जाएगा मैं उसको इसके लिए निकाल दूंगी। ये देखो आज का स्पेशल बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो भैया पहुंच चुके हैं, अभी जेरी उनके लिए खाना निकाल रही है। एक्चुअली भैया लोग जो है 2 लोग आने वाले थे, एक कैंसिल हो चुका है तो अकेले आ गए, अंकल नहीं आया। तो आज क्या क्या रेसिपी बना है गाइस दिखा देता हूँ। दिस इज पोर्क और उसके बाद दिस इज बेत की सब्जी, दिस इज मिक्स वेजिटेबल, दिस इज सिमल 3 फ्लावर,
दिस इज मूली के साग एंड दिस इज मिर्च का चटनी। तो भैया के लिए स्पेशल भैया को चाहिए था। हम दे देगा, हो जाएगा, हो जाएगा। दे दो ना ये चटनी, ये सब ये हाँ। वो सिमल का फ्लावर का चटनी है। हाँ, तो भैया जो है बहुत शर्मीले हैं, कैमरा में आने के लिए बहुत शर्माते हैं। तो कभी कभी दूसरा एंगल से हम धोखे से ले लेंगे लेकिन ज्यादा कैमरा करेंगे तो ये शर्मा के खा भी नहीं पाएंगे। बेट की सब्जी ये मार्केट से जो लेके आया था। चलिए पोक से अच्छा तो वही लगता है क्या? बेट जो ना ये ज्यादा स्पाइसी लगेगा क्या? ये टेस्ट करके देखिए, इसका भी खाया कि नहीं खाया। वो जो पेड़ दिख रहा है ना ऊंचा वाला, उसका फ्लावर है ये, सिमल का ना। हाँ, और यहाँ पे मिर्च का चटनी, लीजिए सेल्फ सर्विस, आपको जो पसंद आए वो ले लीजिएगा। और गावु जी हाँ, उसको नहीं नहीं उसको खाने दिया ही नहीं। ब्रॉयलर भी बन, उसके लिए सब कुछ बन। इस साल में तो पूरा मम्मी पापा ने पूरा मना कर दिया। चार हाथ पाव का जो जानवर है, सिर्फ दो दो पाव वाला जानवर का खाने का खाना है बस। इसको भी खा सकते हैं तो हाँ, दो पाव वाला हम भी, हमको भी खाओ। चलो भैया को आराम से लंच करने के लिए दे देते हैं। भैया के साथ ये भी जुड़ चुका है, सिमल का फ्लावर का चटनी खा रहे हैं। बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था, फाइनली आज मिला मौका। खाओ, नहीं तो खाना खाओ तुम भी। खाना तो खाने मन नहीं हो रहा क्योंकि पेट भर के खाया ना, बाद में खाऊंगा जब भी भूख लगेगा। ठीक है, होगा। गाबुचे और लितो को देखो ना, वहाँ पे पूरा मजे से रह रहे, सो रहे आराम से। और आज का वेदर पता नहीं क्या हो गया, देखो पूरा अजीब सा कर दिया। अभी हम वीडियो बनाने से भी ना कैमरे पे पूरा अंधेरा दिखता है। अभी देखती हूँ आगे में और क्या ब्लॉग बना पाती हूँ, थोड़ा सा अभी के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। सुबह से मैं इधर उधर कर रही हूँ ना, तो कोई बात नहीं, अभी आराम से रेस्ट करूंगी। जय भैया अभी चला गया है अपना वो पम का रिजोर्ट पे, तो वहाँ पे जो है वो लोग बैठ रहे हैं। अभी मेरा पतलू मैन भी जा रहा है गुना नगर पे, क्योंकि हम लोग का घर पे पता नहीं कब बिजली आ जाएगा। अरे कुछ वो अभी इंतजार भी नहीं हो रहा है ना, तो ये जो है सुबह में पावर बैंक अजमेर का घर पे रखा गया था, तो पता नहीं अभी चार्ज हो गया कि नहीं। तो मैं अभी अपना फोन पे जो है जो चार्ज कल किया था उसी चार्ज से जो है मैं वीडियो बना रही हूँ। बाद में जो है वीडियो को एडिट करके अपलोडिंग पे रखूंगी, इसी पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। तो जब लम्बो आ जाएगा उसका पावर बैंक से मेरा फोन भी चार्ज कर पाऊंगी। कल लम्बो जो है पासीघाट से आया था, उस टाइम पे पूरा रात हो गया था, तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है मैं ऑलरेडी 5 बजे से 6 बजे को दे देती हूँ अपलोड करके, तो उसी टाइम पे दिखा नहीं पाई। एक तो सब्सक्राइबर ने जो है हमारे आने वाले बच्चे के लिए जो है ये देखो क्या भेज दिया आप लोग को तो दिखे पता चल गया होगा क्या है इसमें। इसमें जो है बॉडी वेल और क्या क्या है, शैम्पू और क्या था और क्रीम है, हाँ बहुत सारे है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें, तो आपने इतना प्यार से भेज दिया। पता नहीं मुझे तो नाम भी मालूम नहीं है, लेमो को शायद पता होगा, तो उसका ब्लॉग में थोड़ा देखा था मैंने आपको लेमो का ब्लॉग में, बहुत ही अच्छा लगा। मंजिता के लिए भी भेज दिया, हमें इतना प्यार करते हुए आप लोग दूर दूर से बस हम क्या करें, अपना घर पे आने से जो है हम अपना साइड से खतरदार करते हैं। तो जब भी आप लोग आ जाओगे हम लोग का घर पे, तो हम ऐसे आप लोग को जो है अपना लोकल डिश खिलाएंगे। हम लोग का बस ऐसे ही चलता है अपना कल्चर जो। तो थैंक यू सो मच, ये एक तो सिस्टर ने भेज दिया था ये वाला प्रोडक्ट, जो बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ दोस्तों, अभी वीडियो भी ज़्यादा लंबा कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा फ़ोन उतना चार्ज नहीं है, एडिट करते टाइम पे वो चला जाता है चार्जिंग, और अपलोडिंग पे भी हर टाइम ऑलवेज ऑन पे रखना पड़ता है ना। तो इसी के साथ ब्लॉग को जो है एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को जो है मेरा आज का ये ब्लॉग को अच्छा लगा होगा। आज जो भी मैंने सब्जी वगैरह पकाई थी ना, वो सब जो है हम लोग का लोकल डिश है, तो अपना लैंग्वेज से हम लोग जो बोलते हैं वही लिख दिया मैंने। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नए रेसिपी के साथ।